वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ टॉप 100 करंट अफेयर फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020। लास्ट सिक्स मंथ के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंपाइल किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं फॉर एसएससी सीएचएसएल, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो भी जाके आप जरूर देख लीजिए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू आर रियली सीरियस कैंडिडेट एंड प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, यू मस्ट हैव टू फॉलो अवर टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू। सिंपली अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू। इन अवर टेलीग्राम ग्रुप डेली आपके लिए 30-40 क्वेश्चन का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। फ्रॉम लास्ट वन मंथ ये सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, अराउंड 1000 क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा चुके। सो जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या फिर कोई भी हो किसी भी इंडियन स्टेट का, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू। जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आज पहली बार विजिट कर रहे हो तो। फर्स्ट हमारा, हु हैज़ वॉन 108th एडिशन ऑफ वुमेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो किसने जीता ये? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोफिया कैनन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 108वां एडिशन था, ये भी आपने याद रखना है। मैन सिंगल का किसने जीता था? नोवाक जोकोविक, सर्बिया से हैं वो, वो आपने याद रखना है। नो सोफिया कैनन ये अमेरिका की प्रोफेशनल हैं, ये आपने याद रखना है। एंड ये खेला कौन से कोर्ट पर जाता है, ये भी पूछा जाता है। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है एंड 108वां एडिशन था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नेपाल। तो किसे बनाया गया? काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 10 बार ही रिवाइज करवाया जा चुका है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। करेक्ट आंसर इज विनय मोहन कोत्रा। हु हैज बीन ऑनर्ड अनाउंस टू ऑनर विद कल्पना चावला एक्सलेंस अवार्ड। तो किसे सम्मानित किया जाएगा? वेल, किया जा चुका है। करेक्ट आंसर इज दिलराज प्रीत कौर। Who will be awarded with Pan Gauri Lankesh Samman of 1920? तो किसे सम्मानित किया गया? कश्मीर के एक जर्नलिस्ट हैं। करेक्ट आंसर इज यूसुफ जमील। ओके, वीडियो आपने पूरा देखना है, ये एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे। Who has become the first div to cross the Atlantic Ocean? करेक्ट आंसर इज मो ब्रैन। न्यू सी ओ ऑफ आई बी एम, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, आई थिंक 100 बार ही रिवाइज करवाया हुआ है। अरविंद कृष्णन। राजीव जोशी इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया अभी रिसेंटली, वो आपने याद रखना है। आई बी एम में साइंटिस्ट हैं इंडियन ऑरिजिन के, राजीव जोशी का नाम भी आपने याद रखना है। ओके, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ई बुक शेयर की जा रही है 69 रुपीज़ में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दिसंबर 2019 से लेकर मई 2020 के 2000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर आपको इस स्पेशल ई बुक में मिलेंगे। जरूर जाके इसे परचेज करें एंड हमें सपोर्ट भी जरूर करें। एंड अगेन, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अपने बेनिफिट के लिए नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू। हु हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट सेंट्रल बैंकर इन द एशिया पैसिफिक बाय फाइनेंस इंटेलिजेंस मैगजीन द बैंकर। वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीरियसली। शक्तिकांत दास। ओके, विच इंडियन डिप्लोमैट हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू श्रीलंका? एग्जैक्टली, थोड़े जल्दी भी करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आई थिंक आप सबको आते भी हैं, एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो काफी इजी होंगे आपके लिए। विनोद शुक्ला विंस फर्स्ट मथुर भूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इन्हें फर्स्ट मथुर भूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लाइक मथुर भूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज ट्रांसलेटेड बुक ब्लू इज लाइक ब्लू। ओके, तो अपने नाम याद रखना है, विनोद शुक्ला। नेक्स्ट इज वहीदा रहमान टू बी ऑनर्ड विद किशोर कुमार सम्मान। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें सम्मान किया गया, ठीक है, ये अपने याद रखना है। 2 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिया गया वहीदा रहमान को। ओके, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस बायोफ्यूल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स लैंडेड सक्सेसफुली इन। तो कहाँ पे इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था जी? करेक्ट आंसर इज ले। एंड इसका नाम क्या था इस एयरक्राफ्ट का जो बायोफ्यूल है? AN-32, ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो किसे बनाया गया? एग्जैक्टली, नेक्स्ट वन इज द
फेमस आर्ट फेस्टिवल काला घोड़ा इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन सिटी एनुअली? करेक्ट आंसर इज मुंबई. वेल ये काला घोड़ा तो नहीं लग रहा है, ग्रे लग रहा है, बट द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज काला घोड़ा. ओके नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड फॉर द ईयर 1819 फॉर लोवेस्ट एक्सीडेंट रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा लाइक कम एक्सीडेंट हुए इन बसेस में, इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MD मनोज कुमार. सो करेक्ट आंसर इज DTC. नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया. अब इन्होंने रिजाइन भी कर दिया, तो कौन है एक्चुअली? क्वेश्चन ये था कि ये दोनों पोजीशन एक साथ लाइक ऑफिशियल कोई पोजीशन भी संभाल रही थी एंड खेल भी रही थी. ओके लाइक देन ही हैव टू डिसाइडेड कि इनको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, सो इट डिसाइडेड टू लाइक अनाउंस हर रिटायरमेंट. तो रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस कर दी थी. तो कौन है जी? दीपा मलिक. जेवलिन थ्रो एंड शॉर्ट पुट जो इनकी गेम्स थी. तो मैत्री एक्सप्रेस एंड बंधन एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट इंडिया विद विच कंट्री? सो दीज एक्सप्रेसेस कनेक्ट इंडिया विद बांग्लादेश. नेक्स्ट वन इज विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च जन सेवका स्कीम टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सिटीजन्स लाइक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. लाइक आपको कोई पोस्ट ऑफिस का काम है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज हो जो आपको दफ्तर जाना पड़ता था, बट अंडर दिस योजना सीनियर सिटीजन्स को ये प्रोवाइड की जाएगी जन सेवका स्कीम के तहत. सो दिस इज इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट. ओके ऑन 6th February 2020 नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच रिटर्न फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ. यू हैव टू आंसर हाउ मेनी डेज डिड ही स्पेंड ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शी हैज स्पेंड 328 डेज. वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट, अब तो न्यू बन चुकी हैं, अब आपको नया नाम भी पता होना चाहिए. तो रिटायरमेंट जिन्होंने अनाउंस की थी उनका नाम क्या था? ठीक है, पाइनिलोपी कोइजिनाओ गोल्डबर्ग, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी. एंड उसके बिटवीन जो टाइम था आर्ट क्रे ये लाइक कुछ टाइम के लिए संभाल रहे थे, ठीक है, एक्टिंग थे. एंड नाओ जो परमानेंट अपॉइंट हो गई हैं लाइक कारमेन रेनहार्ट, क्यूबा से हैं वो अपने याद रखने. इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट डेविड मालपास. इंडिया का फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना है ये आपने बताना है. काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपके लिए ये, तो आई होप आसान है. एग्जैक्टली उत्तराखंड ऋषिकेश में. ओके विच कंट्री हैज़ वॉन 13th एडिशन ऑफ अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया को हरा के? कौन सी कंट्री ने जीत लिया था? इंडियन टीम के कैप्टन थे प्रियम गर्ग. एंड कौन सी टीम ने हराया था इंडिया को? सो ये हराया था हमारे कंट्री को बांग्लादेश ने. नेक्स्ट वन इज यूनियन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिलीज द फर्स्ट बायोपिक ऑफ फॉर्मर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे. ओके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड जो इनका रोल कर रहे हैं हॉलीवुड एक्टर मोहम्मद अली इज प्लेइंग डॉक्टर कलाम रोल इन द मूवी. ओके तो ये आपने याद रखना है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मोहम्मद अली का नाम आपने ज़रूर याद रखना है जो बायोपिक हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसे रिलीज की गई. ओके नेक्स्ट इज ये सेम हो गया. रिसेंटली अवर वाइस प्रेसिडेंट M. Venkaiah नायडू रिलीज द बुक टाइटल ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी. तो आपको बताना है इस बुक के ऑथर कौन है. एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज के रामकृष्ण राव. ओके विच कंट्री ऑक्शन द लाइसेंस ऑफ एलिफेंट हंटिंग, यानी कि अपने लाइसेंस को बेचा उसके बाद इस कंट्री में लाइक अंडर सम रूल्स हंटिंग ऑफ एनिमल इज लीगल. सो कंट्री इज बोत्सवाना. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इधर ही है. ओके नेक्स्ट हमारा हु इज ऑथर ऑफ बुक गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिना इस्लाम. इस बुक के ऑथर कौन है? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज MJ अकबर. नेक्स्ट वन इज गिरिराज किशोर पास जो है इनका निधन हो गया. नाउ यू हैव टू आंसर ही वॉज द रेसिपियंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड. ही इज फेमसली नोन एज पहला गिर मित्या डेट वॉज बेस्ड ऑन गांधी जी लाइफ इन साउथ अफ्रीका.
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ करेक्ट, यानी ऑल आर करेक्ट। पद्मश्री भी सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड से भी, व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, तो यानी कि सारे सारे सम्मान इनको दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन कन्फर्ड विद डैन डेविड प्राइज 2020, किसे सम्मानित किया गया? गीता सेन। ओके, प्यार का पौधा प्लांट प्लांट ऑफ लव यानी कि एक इनिशिएटिव कैंपेन टू प्रमोट प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज द इनिशिएटिव बाय विच इंडियन स्टेट? सो दिस इज द इनिशिएटिव बाय बिहार। ओके, इसरो सीनियर स्पेस साइंटिस्ट जी नारायण हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ कमर्शियल एंटिटी ऑफ इसरो न्यू स्पेस लिमिटेड इंडिया, तो ये अपने याद रखना है। एंड NSIL विल मैन्युफैक्चर स्मॉल एंड लाइट फ्लेट सैटेलाइट्स, तो चेयरमैन कौन होंगे इसके, ये अपने याद रखना है, लाइक जी नारायण। ओके, एक स्मॉल एंटिटी जहाँ पे छोटे जो लाइट वेट सैटेलाइट्स उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। NSIL जो मेन यूनिट का नाम रखा गया, हेड जी नारायण, इसरो का ये पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारा, विच इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी वॉज नेम्ड एज द नेम टू लीड UN क्लाइमेट समिट दैट विल बी होस्टेड बाय ब्रिटेन? सो कौन थे जो ये, वेल बेसिकली तो अब ये पोस्टपोन हो चुकी है, एंड किसने इसे होस्ट, लाइक प्रेसिडेंट कौन बनाया गया था इंडियन ओरिजिन? करेक्ट आंसर इज आलोक शर्मा। नेक्स्ट इज हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ BCCI सिलेक्शन कमेटी, तो न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया? सुनील जोशी इज द करेक्ट आंसर। कुछ डिटेल्स है पूरी। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू टर्की, तो किसे बनाया गया? करेक्ट आंसर इज संजय कुमार। जावेद अशरफ फ्रांस के लिए हैं, अभिषेक सिंह वेंजुला के लिए हैं, तरनजीत सिंह सिंधु ये हैं जी हमारे, ये हमारे USA के लिए हैं। ओके, विच इंडियन एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैज बीन नेम्ड एज कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया फ्रॉम असम, जादव पेंग। Which country has decided to, like, he became the first in the world to make all public transport free? So this decision has been taken by Luxembourg. And you know the which country has decided to make all the sanitary napkins free? Scotland. वो भी आप याद रखेंगे। Okay, Tansin Mir and Mansi Singh are related to which Indian which sport? ये आपको बताने की कौन से sport से belong करते हैं? Correct answer for this question is option number B, badminton. ओके, रिसेंटली इंडियन नेवी हैज पोस्टपोन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज ड्यू टू नोवल कोरोना वायरस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो हमारी विशाखापट्टनम में होनी थी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लाइक एडवाइजर टू CM वाइसर जगनमोहन रेड्डी, तो किसे बनाया गया एडवाइजर? करेक्ट आंसर इज सुभाष चंद्र गर्ग इज द करेक्ट आंसर। With which of the following application the hostels, the hospitals, extra in the Delhi NCR will get diesel delivery at doorsteps? So under this application, the name of this application is Humsafar. The prestigious Azlan Shah Cup tournament is postponed due to novel coronavirus. So jo Malaysia mein hona tha, it is associated with which sport? Exactly, hockey. Next one is on which day National Safety Day is observed? Correct answer is 4th March. Next one is recently which national sanctuary has been declared eco sensitive zone? You know Dal Lake ko bhi eco sensitive zone declare kiya gaya tha. Now this is a national sanctuary. The name of the national sanctuary is National Chambal Sanctuary, Madhya Pradesh mein. Okay, Kola Chili gets GI tag. It is mainly found in which Indian state? Which Indian state basically? So it is mainly found in Goa.
देखो जीआई टैग्स पे आपने एक सेपरेट करना ही करना है, एक प्रॉपर वीडियो लाइक जिसमें आपको 10 से लेकर 15 तक वो अपने याद रखते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा. ओके, सो विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ की मेंबर टू द यूएस कोरोना वायरस टास्क फोर्स? एग्जैक्टली, सीमा वर्मा इज द करेक्ट आंसर. ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO एंड MD ऑफ MMTC लिमिटेड, मिनरल एंड लाइक मिनरल्स एंड मेटल ट्रेड कॉर्पोरेशन. सो करेक्ट आंसर इज सुधांशु पांडे. विच सिटी विल होस्ट 108th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2021? विच सिटी विल होस्ट? सो दिस विल बी होस्टेड बाय पुणे. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर सुदानंदा महाथिरो पास्ड अवे. You have to answer, he belonged to which country? Bangladesh. Very important question. Who has been named as a new CEO of and president of Nokia? Replace Rajiv Suri. Correct answer is Pika Landmark. Nokia, Finland ki company hai. Which university topped in Khelo India University Games 2020? So which university topped in this? Held in Bhubaneswar. This was topped by Punjab University. Next one is, recently training of Nepal judicial officers began in which Indian state? करेक्ट आंसर इज राजस्थान. ओके, ये डिटेल्स पूरी लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको डिटेल भी मिल जाएगी, जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो आप फर्दर डिटेल्स भी पूरी पढ़ सकते हो. नेक्स्ट वन इज राखी गिरी विल सून एमर्ज एज अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑन द मैप ऑफ इंडिया. नाउ यू हैव टू आंसर, इट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो राखी गिरी कहाँ पे है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हरियाणा. ओके, यू नो देखो अब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि डेली करंट अफेयर में सारा हो चुका है. नाउ इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप सारे करंट अफेयर लाइक फ्रॉम लास्ट सिक्स मंथ वन बाय वन देखो. सो द ओनली सोल्यूशन इज़ कि अवर टेलीग्राम ग्रुप अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड यकीन मानो यू विल एक्सपीरियंस ए न्यू वे ऑफ लर्निंग. काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी. सो ज्वाइन इट नाउ. नेक्स्ट एग्जाम IQ. ओके, न्यू एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस रिडारेक्स इसे बनाया गया DRDO द्वारा. ये आपने याद रखना है, रिडारेक्स नाम याद रखिएगा, एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस. ओके, जम्मू का हिस्टोरिक सीटू चौक का नाम चेंज करके भारत माता चौक रखा गया. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड पंचतीर्थी में भी एक सर्कुलर रोड का नाम भी चेंज करके अटल जी चौक रखा गया. ओके, एंड दिस इज भारत माता चौक. ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता हर साल? 3rd March इज द करेक्ट आंसर. सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज द थीम फॉर द ईयर 2020. मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोहिदीन यासीन. ओके, सुपोषित महाअभियान कौन सी इंडियन स्टेट में स्टार्ट किया गया? लॉन्च्ड बाय ओम बिरला लोकसभा स्पीकर. वेल, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर. क्या करेगी ये योजना? सारी डिटेल्स यहां दी गई है. ओके, आप PDF में पढ़ लीजिएगा. द्रोणाचार्य अवॉर्डी लाइक कोच थे ये हमारे एथलीट कोच, निधन हो गया. कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते थे ये आपने बताना था. जोगिंदर सिंह पास्ड अवे, ही बिलोंग टू पंजाब. अब इनके बारे में इनका इतिहास सारी डिटेल्स दी गई है. ओके, मैक्सिकन ओपन टाइटल 2020 का किसने जीता? वेल आई थिंक अगर आप टेनिस देखते हो तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, विच वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंडियन रेलवे लॉन्चेस रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स इन विच रेलवे स्टेशन? यानी कि कौन से रेलवे स्टेशन पे रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया गया? वेस्ट बंगाल के एक लाइक करेक्ट आंसर इज आसनसोल रेलवे स्टेशन. कहाँ पे है जी? ये है जी हमारा वेस्ट बंगाल में. ओके, लाइक आप डेट पे जा सकते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट मूविंग रेस्टोरेंट में
लाइक ट्रेन चल भी रही होगी एंड आप देख दिस इज अ लाइक रेस्टोरेंट. ओके फर्स्ट बिकेम द न्यू डायरेक्टर ऑफ याहू डॉट इन गोरखपुर के यूपी के. करेक्ट आंसर इज मोहित गोनिका. ओके न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक. करंट ओपनिंग फैसिलिटी विद हेल्प ऑफ मोबाइल इसी बैंक द्वारा स्टार्ट की गई. सुमंत कथपालिया इज द करेक्ट आंसर. वी मेक यू फील रिचर इज द टैग लाइन. बलबीर सिंह कुल्लर पास्ड अवे, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. तो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे ये आपको बताना है. एग्जैक्टली हॉकी इज द करेक्ट आंसर. ओके यूनियन मिनिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनॉग्रेट्स पेंशन अदालत इन जम्मू. तो जम्मू में इसका उद्घाटन किया एंड दिस यू नो आउटसाइड दिल्ली दिस वॉज द फर्स्ट पेंशन अदालत जिसका उद्घाटन किया गया. नाउ वन इन दिल्ली एंड द अनदर वन इन जम्मू. तो ये आप याद रखिएगा. ओके मुंबई पुलिस के न्यू कमिश्नर किसे बनाया गया. दिल्ली पुलिस के बने थे एस एन श्रीवास्तव एंड मुंबई पुलिस के बने परमबीर सिंह. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके वर्ल्ड डिफेंस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल. करेक्ट आंसर इज 3 मार्च को. ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बीन सिलेक्टेड बाय नीति आयोग फॉर द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखते हैं कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. लेट्स सी. ओके टुडे यूनिक चिली फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ था ये आपने बताना है. ओके सो दिस हैज बीन स्टार्टेड इन द स्टेट मध्य प्रदेश. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन एंटर्ड इन टू लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द फिल्म एडिटेड इन मोस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज. अराउंड 17 लैंग्वेज में इन्होंने फिल्म को एडिट किया. लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो गया. शेखर प्रसाद इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके एज पर द न्यू रिपोर्ट्स बाय ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर वर्ल्ड लाइन यू टू आंसर विच इंडियन सिटी अकाउंटेड हाइस्ट नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन इन के इन 2019. सो विच इंडियन सिटी टॉप्ड. सो दिस वॉज टॉप्ड बाय बेंगलुरु. ओके एंड डोंट थिंक कि कभी जम्मू का नाम आ भी सकता है इसमें क्योंकि लाइक हाफ ऑफ द ईयर इंटरनेट बंद था. नॉट हाफ ऑफ द ईयर इट्स अराउंड गोइंग टू बी वन ऑफ द ईयर. लाइक एक साल पूरा होने वाला है. लाइक जम्मू एंड कश्मीर तो इसमें कभी नहीं आ सकता आगे. आई डोंट थिंक सो कभी आएगा भी. विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ बीन बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू हिट ए सेंचुरी इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स. सो कौन फर्स्ट क्रिकेटर बनी. करेक्ट आंसर इज हैदर नाइट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके तो कौन सी टीम के लिए खेलती हैं ये खेलती हैं इंग्लैंड के लिए. इंग्लैंड टीम की कैप्टन. नेक्स्ट हमारा विच कंपनी हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर इन अयोध्या. नृत्य गोपाल दास प्रेसिडेंट बने एंड कौन सा कंपनी बनाएगा. एलएनटी लार्सन ट्यूब्रो. नेक्स्ट वन इज विच स्टेट सीएम हैज बीन अवार्डेड विद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2020 अवार्ड फॉर हिज पॉलिटिक्स. असम. सर्बनंदा सोनवाल इज द करेक्ट आंसर. ओके विच इंडियन स्टेट इज गोइंग टू बिकम द सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बाय 1 मई 2020. महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू वेनेजुएला. अभिषेक सिंह. रिसेंटली वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन चितेस्तु वतनेबे पास्ड अवे. ही इज फ्रॉम जापान. एंड प्रेजेंटली कौन है. बॉब विंगटन यूके के द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन. विच इंडियन स्टेट बैंड ऑल फॉर्म ऑफ स्ट्राइक्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय केरल. ओके विल बी कन्फर्ड विद 6th स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी अवार्ड.
फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पेंग. ओके, दिल्ली के कमिश्नर बता चुका हूँ एस एन श्रीवास्तव. ओके, विच कंपनी विल यूज इसरो नेविक नेविगेशन टेक्नोलॉजी इन इट्स अपकमिंग स्मार्टफोन फॉर फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज Xiaomi. ओके, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंक्लूड ए ट्रांसजेंडर इन UN डेलीगेशन. आयशा मुगल, द फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान. सो पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच स्टेट हैज अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती उर्दू अरेबिक पर्शियन यूनिवर्सिटी. तो इसका नाम बदला जाएगा. सो दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय उत्तर प्रदेश. UP इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, एंड डिटेल्स पूरी यहाँ दे देगी है. ओके, विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक ऑल सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री. अगेन आई रिवाइज इट, स्कॉटलैंड. अरुंधति भट्टाचार्य, द एक्स चेयरमैन ऑफ SBI, रिजाइन फ्रॉम द सुरेशल बोर्ड. नाउ यू हैव टू आंसर वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दैट इज सुरेशल लोकेटेड. हेडक्वार्टर्स मुंबई में. अब इन्हें चेयरमैन बनाया गया है US सेल्स फोर्स का. ओके, US सेल्स फोर्स का फॉर इंडियन ऑपरेशन ये चेयरमैन बन चुके हैं अरुंधति भट्टाचार्य. सो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मुंबई. रिसेंटली इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC एंड ST एम्प्लॉयज. सो दिस हिस्टोरिक डिसीजन हैज बीन टेकन बाय उत्तराखंड. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. रंजन गोगोई टेक्स ओथ एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. सो यू हैव टू आंसर, ही वॉज लाइक चीफ जस्टिस ऑफ, लाइक ही वॉज द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेट अप ए कमीशन नेमली J&K सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. सो यू हैव टू आंसर, हु विल हेड दिस कमीशन. सो दिस कमीशन विल बी हेडेड बाय जस्टिस GD शर्मा. ओके, जो द फॉलोइंग एयरलाइन हैज वॉन अवार्ड विद स्वच्छता भारत अवार्ड. लाइक कौन सी एयरलाइन को स्वच्छता भारत अवार्ड दिया गया, ये आपको बताना है. इसके CEO विनय दुबे. सो करेक्ट आंसर इज गो एयर. ओके, विच कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ फॉल आउट फ्रॉम COVID-19. करेक्ट आंसर इज जर्मनी. रिसेंटली नॉर्थ मैसेडोनिया हैज नाउ ऑफिशियली ज्वाइंट नेटो एज इट्स 30th मेंबर. नाउ यू हैव टू आंसर, हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट आंसर इज जेंस स्टोलनबर्ग. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड हैशटैग सेफ इंडिया चैलेंज. WHO इज द करेक्ट आंसर. On which the International Day of Forest is observed. The theme is Forest and Biodiversity. 21st March is the correct answer. TB Day already marked a question here. 24th March is the correct answer and theme for this year it's time to end TB. MD and CEO of Yes Bank. Prashant Kumar. Who has written the book Messiah Modi, the Tale of Great Expectations. So this book has been written by Tavleen Singh. Recently, Pradhan Mantri Modi participated in like birth anniversary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman with the help of video conference. So kaun si birth anniversary thi? 100th and Joy Bangla, apna national slogan bhi declared kiya Bangladesh ne, wo bhi aap yaad rakhiyega, Joy Bangla, 100th birth anniversary. Author of the book Invincible, a tribute to Manohar Parikar. Who is the author? Tarun Vijay is the correct answer. Which Indian state launches Break the Chain campaign to combat coronavirus? So which Indian state has started this campaign? This was started by Kerala. And the last question of today's video is which recently Defense Minister Ryan contract with which country for light machine guns, LMG guns ke liye kaun si country ke sath samjhota hua hai? So this agreement has been signed between India and Israel.
सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है. वेल देखो, दिस इज द लाइक टाइप ऑफ लाइक रिविजन, और यू कैन से इट्स टाइप ऑफ टेस्ट फॉर यू. एंड अगेन, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें SSC के जितने भी SSC CHSL के लिए जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर.